नगर निगम परिषद की बैठक रही हंगामेदार। जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में एमसीडी में जमकर बहसबाजी हुई थी, कुछ उसी तरीके का नजारा रीवा के नगर निगम के परिषद हॉल में देखने में नजर आया। जिस दौरान महापौर कप खेल प्रतियोगिता की बात हो रही थी, उसी दौरान झड़प हुई प्रारंभ। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा नगर निगम परिषद की बैठक रही हंगामेदार। ऐसा लगता है रीवा नगर निगम के पार्षदों ने पिछले दिनों दिल्ली में जिस तरीके से पार्षद के बीच में वाद विवाद हुआ था, उससे कुछ शिक्षा ली। उसका एक नज़ारा रीवा के नगर निगम के परिषद हॉल में देखने में नजर आया। परिषद की बैठक बेहद शालीन तरीके से चल रही थी, उसी दौरान महापौर कप खेल प्रतियोगिता की बात प्रारंभ हुई, विवाद भी शुरू हुआ। देखते ही देखते यह विवाद झूमा झटकी तक पहुंचने की नौबत में पहुंच गया। फिर चला समझाइश का दौर, बामुश्किल पार्षद माने। हमारी टीम ने सदन में महापौर को भी सुना, उसके बाद परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से भी बात की, जिनका साफ तौर से कहना था अगर इसी तरीके से अगली बार भी बैठक में हंगामा हुआ तो मैं शासन स्तर से कार्रवाई भी कराने के लिए लिखूंगा। सभी के एजेंडों में अच्छी बातें चल रही थी, उसके बाद एक एजेंडा क्रमांक मेरे पास से शायद 5 था, उस पर प्रतियोगिता वॉलीबॉल कबड्डी इस उसमें चर्चाएँ चल रही थी। आपस में पर MIC के दो सदस्य हरेन सिंह और स्वतंत्र शर्मा आकर के जो दूसरे दल के ये पार्षद बैठे थे या वीरेन सिंह वगैरह दीनानाथ वर्मा जी सब इसे जाके झड़प करने लगे। ये परिपाटी गलत है। परिषद के अंदर जो भी बातें करना है अध्यक्ष को इंगित करके करनी चाहिए। क्या निर्णय लेना है वो तो सबके बहुमत के आधार पे होता है, पर किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता है। अगर वो बोल रहे थे तो डेस्क पे जाकर के उन्होंने अमर्यादित कार्य किया है। अगर दोबारा ऐसी कोई अमर्यादित चीज़ होगी तो मैं तो प्रशासन को उनके खिलाफ क्या भी जी होगा मैं कार्रवाई करूँ। परिषद के अंदर चूतिया और अनपढ़ बोलना जरूर मतलब बिल्कुल जायज़ है। कोई भी ऐसे शब्द जो कि मर्यादा के खिलाफ हों वो नहीं बोलने चाहिए। आप बार बार मना कर रहे थे महापौर की भी एक गरिमा है, जब वो बोल रहे थे तो उसी समय उठकर विपक्ष वाले भी बोल रहे थे, तो क्या ये सही था? उनको भी मैंने टोका है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो महापौर को भी इस चीज़ का ध्यान देना था और MIC सदस्यों को कि अपने डेस्क से उठ के विपक्षी पास उनके पास तो पास नहीं जाना चाहिए था। ये भी गलत। ये कोई ऐसा बताया जा रहा है कोई नाम को लेकर विवाद है महापौर को लेकर? महापौर कब का तो नाम नहीं आया, आप ही लोग भी बैठे थे वहाँ पे। परिषद में हर विद्यु में कहाँ पे खेल हो कहाँ पे ना हो, कोई बता रहा था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा था वहाँ पे खेल हुआ जाया करेगा, निगम का 10 लाख रुपया खेल कराते, कोई कहीं। वो तो महापौर जी जैसे ही खड़े हुए उन्होंने खुद अपना वक्तव्य दिया कि मैं जानता हूँ आशा क्या महापौर कब लिखा है। BJP के किसी भी जो भी पार्षद थे वो उन लोगों ने कहीं भी महापौर कब का नाम नहीं लिया था। ये तो महापौर जी ने महापौर कब का नाम खुद अपने मुँह से लिया कि इनको पीड़ा है महापौर कप के नाम से। पर किसी भी पार्षद ने जब तक मैं बैठा था महापौर कप का नाम नहीं लिया, स्थान की बातें करते रहे।